कुरान करीम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, आप अलैहि सलातु वसलाम को, की सीरत तय्यबा को उम्मत के लिए नमूना करार दिया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को बयान करने के बाद सबसे ज़्यादा जिस नबी की ज़िंदगी को कुरान करीम उजागर करता है और उस नबी की ज़िंदगी पर अमल पैरा होने की ताकीद करता है, और जो अल्फाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के नमूना होने के लिए जिक्र फरमाए, वही अल्फाज अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम के लिए जिक्र फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इरशाद फरमाया, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। इसी तरह से सूरतुल मुमतहिना में हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के बारे में भी यही फरमाया, कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहिमा, तुम्हारे लिए इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। इस वक्त की नशिस्त में हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम की जिंदगी का एक पहलू मुझे जिक्र करना है। नबियों की जिंदगी अल्लाह कुरान में जिक्र करता है, क्यों? इसलिए कि नबियों की जिंदगी से इंसानों के लिए बड़ी अहम रहनुमाई मिलती है और हिदायत के अहम उसूल और जाब्ते जिक्र किए जाते हैं कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात में सबसे बुलंद तरीन मकाम रखने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो जरूरियात तुम्हारी हैं वही जरूरियात नबियों की भी थी, जो मसाइब और परेशानियां आपको आती हैं वही मुसीबतें और परेशानियां नबियों को भी आती हैं। आप भी बीमार होते हैं तो नबी भी बीमार होते थे, आपको तकलीफ होती है तो नबियों को दोहरी तकलीफ होती है, आपको भूख लगती है तो नबी को भी भूख लगती है, आप प्यास के मोहताज हैं पानी के तो नबी भी पानी के मोहताज होते हैं, आपके यहाँ बीवियां हैं और शादियों का सिलसिला है, औलादों का सिलसिला है, औलादों की मोहब्बत है तो नबियों की भी शादियां हुई, नबियों की भी औलादें हुई, तो गोया कि नबियों की जिंदगी हमारे लिए नमूना और मिसाल करार दी गई है कि तुम खूबसूरत जिंदगी अगर गुजारना चाहते हो तो तुम्हारे लिए नबियों की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। और फिर उन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सबसे बेहतरीन नमूना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद जिस नबी की जिंदगी को ज्यादा उजागर किया गया वो कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो मैंने अर्ज किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का एक पहलू मुझे जिक्र करना है, और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का ये पहलू एक बूढ़े बाप की अपनी औलाद के लिए कैसी दुआएं हैं। बस आज की नशिस्त में मुझे ये जिक्र करना है कि एक बूढ़े बाप ने अपनी औलाद के लिए कैसे दुआ की और क्या क्या दुआएं की हैं। अल्लाह पाक ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई, और बुढ़ापे में औलाद मिलने के बाद अल्लाह का शुक्र कैसे अदा किया और अपनी औलादों के लिए दुआएं कैसे की हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं हम भी अपनी औलादों के लिए करें, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह हम भी अपनी औलादों के लिए दुआएं करें। क्यों? इसलिए कायनात में कोई हस्ती ऐसी नहीं है, न कोई इमाम, न कोई मुफ्ती, न कोई शेखुल हदीस, न कोई बुजुर्ग, न कोई फला कि जिसकी दुआ की कबूलियत की जमानत आपके लिए दी गई हो कि फला शख्स की दुआ आपके लिए कबूल होगी। अगर कायनात में कोई एक हस्ती है तो वो बाप की हस्ती है। बाप के बारे में प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बाप की दुआ
औलाद के हक में रद्द नहीं होती। तो फिर आप बताओ अपनी औलादों को संवारने का कितना बड़ा हथियार आपके पास है, अपनी औलादों को राय रास्त पर लाने का कितना बड़ा जरिया और सबब आपके पास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जबान नबुव्वत से मोहर है कि बाप की दुआ औलाद के लिए रद्द नहीं होती। आइए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं का जायजा लेते हैं, क्या क्या मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ तो ये की, रब्बी जअल हाजा बलदन आमिनन, रब्बी जअल हाजल बलदा आमिना। जहां अपनी औलाद को बसाया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को और अपनी अहलिया मोहतरमा हजरत हाजर इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा को बसाया, तो पहली दुआ ये की, ऐ अल्लाह जहां मैंने इनको छोड़ा है, ऐ अल्लाह इस जगह को अमन वाला बना दे, इस जगह को अमन वाला बना। तो आप भी अपनी औलादों के लिए दुआएं करें कि ऐ अल्लाह मेरी औलादों को अमन अता फरमा, सुकून अता फरमा, चैन नसीब फरमा। औलाद को अमन मिलेगा, चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा तो वो आपकी फर्माबरदार हो। और अगर औलाद अफरा तफरी में मुबतला है, बदअमनी में मुबतला है, बदसुकूनी में मुबतला है, तो वो आपकी खिदमत से भी महरूम है। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उस्वा हसना पहला हमें ये मिलता है कि हम अपनी औलाद के अमन व अमान के लिए दुआ करें, सलामती के लिए दुआ करें, जान की हिफाजत की दुआ करें, माल की हिफाजत की दुआ करें। नंबर दो, दूसरी दुआ क्या है, वरजुक अहलहु मिनस समरात। दूसरी दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी औलादों के लिए क्या कर रहे हैं, अल्लाह इनकी मईशत का इंतजाम फरमा, इनके माल का इंतजाम फरमा। तो मुझे बताओ आज बेटा बेरोजगार है, बाप क्यों नहीं तड़पता, बाप क्यों नहीं तड़प के मांगता अल्लाह पाक से। मेरे पास तो जितने लोग आते हैं इस सिलसिले में बेरोजगारी के मामलात में, मौल साहब कोई वजीफा बताए, मौल साहब दुआ करें रोजगार लग जाए, मेरा पहला सवाल होता है, मेरे अजीज बताओ वालिद जिंदा है, जी जिंदा है, वालिदा जिंदा है, जी जिंदा है। अल्लाह के बंदे तेरे पास तो दुआओं के खजाने मौजूद है, अगर आपकी वालिदा और आपके वालिद जिंदा हैं तो तेरे पास तो दुआओं के खजाने मौजूद हैं। तू क्यों नहीं दुआ कराता अपने माँ बाप से, तू क्यों नहीं खिदमत करके उनसे दुआ लेता। और एक बात और बताऊं, दुआ दुआ कराई नहीं जाती, दुआ ली जाती है, दुआ ली जाती है। मेरे जवान दोस्त खिदमत करें अपने माँ बाप की, जब माँ बाप की खिदमत करेंगे वो खुश होंगे, उनकी जबान से दुआया कलिमात आपके हक में निकलेंगे और वो दुआया कलिमात आपकी माँ के की जबान से आपके हक में निकलें और आपके वालिद की जबान से आपके हक में वो दुआया कलिमात निकलें, वो तीर बहदफ है, तीर बहदफ, वो दुआ जाया नहीं जाएगी। और मजीद इत्मीनान के लिए यह भी अर्ज करता हूं, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए, अब क्या करें जी, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो मुबारक दीन लेकर आए हैं, इस दीन में ऐसों के लिए भी मायूसी नहीं है, ऐसों के लिए मायूसी नहीं है। माँ बाप रुखसत हो गए तो जब आप माँ बाप हयात थे तो क्या करते थे, आप माँ बाप की खिदमत करके उनसे बोलो दुआएं हासिल करते थे। तो माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए तो भी उनकी खिदमत करके उनसे दुआएं हासिल करो। अब क्या खिदमत है माँ बाप के मरने के बाद, क्या माँ बाप के मरने के बाद भी उनकी कोई खिदमत की जा सकती है, जी बिल्कुल की जा सकती है। माँ बाप की हयाती में आप उनकी खिदमत करते थे, आप माली तावन करते थे, जिस्मानी आप खातर ख्याल रखते थे और उनकी दवा दारू का आप इंतजाम करते थे, दुनिया की आप जरूरियात पूरी करते थे, माँ बाप चले गए, आखिरत की जरूरियात आमाल, रोजाना आमाल का हदिया भेजो उनको, रोजाना आमाल का तोहफा भेजो, कुरान करीम पढ़कर उनके लिए दुआ करो, ईसाले सवाब करो, हस्बे इस्तेदाद सदका करके उनके लिए दुआ करो, अपनी हर दुआ में अपने मरे हुए माँ बाप को याद रखो। इसका लाजमी नतीजा ये होगा आपके दुनिया के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे,
आपकी मुश्किलात हल होना शुरू हो जाएंगी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उस्वा हसना हमारे लिए नमूना है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं। तो दूसरी दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कि ऐ अल्लाह इनके रिज्क का इंतजाम फरमा। तीसरी दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, ऐ अल्लाह इनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम फरमा। मालूम ये चला कि बाप ये भी दुआ करे, ऐ अल्लाह मेरी औलाद की तालीम और तरबियत का इंतजाम फरमा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी बनकर मक्का की सरजमीन पर मबऊस हुए। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा था। तो सूरतुल बकरा में तीन दुआएं मैंने बताई हैं, अगर आपको वो अरबी के कलिमात याद नहीं है अपनी जबान में कर सकते हो भाई। नंबर एक, ऐ अल्लाह औलाद को अमन और सुकून अता फरमा, ये दुआ करो। नंबर दो, ऐ अल्लाह इनकी माश के मसाइल को हल फरमा। नंबर तीन, ऐ अल्लाह इनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम फरमा। ये तीन दुआएं। अब सूरह इब्राहिम एक मुस्तकिल सूरत है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हालात और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को बयान करती है। और ये बात भी ज़हन नशीन फरमाइएगा, अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी महज तारीख नहीं है, वो अमल के लिए है, अमल के लिए है, अमल के लिए। अब यहां जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं उनमें एक दुआ यूं समझ लीजिए, चौथी दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या की कि वजनुबनी व बनिया अन्नाबुदल असनाम, अल्लाह मुझे भी और मेरी औलाद को शिर्क से महफूज करना। हालांकि नबी तो मासूम होता है, नबी तो गुनाहों से पाक होता है, नबी के यहां तो शिर्क का तसव्वुर भी नहीं है, लेकिन समझाना मकसूद है शिर्क इतना बदतरीन अमल है, शिर्क इतना बदतरीन अमल है कि वो अगर आपकी जिंदगी में दाखिल हो जाए, जिस तरह से दीमक एक लकड़ी को चाट जाता है, अंदर से खोखला कर देता है, इस तरह से शिर्क आपके ईमान को खोखला कर देगा। वलौ अशरकू लहबिता अनहुम मा कानू यअमलून, अगर नबियों से भी शिर्क सरजद हो गया तो नबियों की नबूवत भी खत्म हो जाएगी। लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन, नबी अलैहिस्सलाम की जात मुबारक से शिर्क का तसव्वुर भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी समझाया लइन अशरकता, ऐ नबी अगर आपसे भी शिर्क हो जाए लयहबतन्ना अमलुका, आपके सारे आमाल जाया हो जाएंगे, वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन, और आप तो खसारे वालों में से हो जाएंगे। फिर मुझे बताइए किसी और की जिंदगी से शिर्क सरजद हो तो फिर क्या होगा? मुझे माफ कीजिएगा, हम समझते हैं शायद शिर्क का मतलब ये है कि हम किसी बुत को सजदा करें और किसी दरख्त को ही पूजा करें तो ये शिर्क है। याद रखिएगा शिर्क का मतलब क्या है, दो खुदा मानना शिर्क, अल्लाह की सिफात किसी और में मानना शिर्क। जो अदब और एहतराम अल्लाह को देना चाहिए ये किसी और को देना शिर्क। अल्लाह का हुक्म ऐसा है कि जिसके लिए आदमी अपनी माँ, अपने बाप, अपना कुंबा, अपना कबीला, अपना खानदान, अपना माल सब कुछ कुर्बान कर सकता है। अगर ऐसी किसी की इताअत करता है कि उसके हुक्म को पूरा करने के लिए न माँ की परवाह, न बाप की, न औलाद की, न दीन की, न मजहब की, न नमाज की, न किसी शय की, तो ये भी शिर्क है। ये किसी और की इताअत ऐसी क्यों कर रहा है जो इताअत अल्लाह की जानी चाहिए, ये भी शिर्क। अगर ये इताअत अपने नफ्स की कर रहा है तो नफ्स को उसने अल्लाह का शरीक बनाया हुआ है, अंदर से उठने वाली हर चाहत को पूरा कर रहा है तो कहा जाएगा इसने अपने नफ्स को अल्लाह का शरीक बनाया हुआ है। अगर वो इख्तदार की खातिर अल्लाह के हुक्मों को छोड़ देता है, इख्तदार हासिल करने के लिए अल्लाह की बड़ी बड़ी नाफरमानियां करता है, माल हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी नाफरमानियां करता है, तो क्या कहा जाएगा, जो एहतराम अल्लाह को देना चाहिए था वो इसने तो माल को दे दिया, इसने तो माल को माबूद बना लिया है, इसने तो इख्तदार को माबूद बना लिया है, इसने तो फलां को माबूद बना लिया है। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की चौथी दुआ यह है कि ऐ अल्लाह मुझे भी और मेरी आल औलाद को शिर्क से बचाना। मैंने अर्ज किया क्यों शिर्क से बचाने की दुआ की, याद रखिएगा क्यों, इसलिए कि शिर्क ऐसा बदतरीन जुर्म है कि जो आपके आमाल के साथ मस करेगा, लगेगा
सारे आमाल जीरो हो जाए, पहाड़ों की तरह आमाल जीरो हो जाए, ढेर हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा आमाल में से। इसलिए अपने आप को शिर्क से बचाओ। तो ये दुआ भी अपनी औलादों के लिए और अपने लिए करो। इब्राहिम जब अपने लिए दुआ कर रहे हैं तो मुझे और आपको क्यों नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे भी और मेरी औलाद को शिर्क से बचा ले। चार दुआएं हो गई, पांचवी दुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह को तामीर करते हुए ये दुआ कर रहे हैं, वजअलना मुस्लिमैनी लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। अल्लाह मुझे भी और अल्लाह मेरे बेटे इस्माइल को भी और अल्लाह हमारी आने वाली सारी नस्ल को अपना फर्माबरदार बना। सिर्फ बेटों के लिए नहीं, सिर्फ बेटों के लिए नहीं, पोतों के लिए, पढ़ पोतों के लिए, नवासों के लिए, पढ़ नवासों के लिए। क्या कह रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम? अल्लाह मुझे और मेरे बेटे इस्माइल और हम दोनों की औलादों को, नस्लों को, नस्ल दर नस्ल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का असर रहा, नस्ल दर नस्ल। और ये वाक्य आपने सुना होगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खजर अलैहिस्सलाम, इन दोनों पैगंबरों ने वो एक दीवार मुरम्मत की थी। क्यों मुरम्मत की थी? इसलिए कि दीवार के नीचे खजाना था, दो बच्चों का खजाना था। मैं तफसील में नहीं जाता, कुरान क्या कहता है कि इन दो पैगंबरों ने यानी हजरत खजर ने उस दीवार को तामीर किया। क्यों तामीर किया? इसलिए कि उन बच्चों का खजाना मदफून था। वकाना अबू हुमा सालेहा, उन दोनों बच्चों का बाप नेक आदमी था। पता चला बाप की नेकी औलादों के काम आ जाती है। बाप की नेकी किसके काम आती है? औलादों के काम आती है। बाप की नेकी की वजह से औलाद का माल महफूज हो जाता है, बाप की नेकी से औलाद की जान महफूज हो जाती है। एक बुजुर्ग सारी रात खड़े होकर नवाफिल अदा करते, बेटा कहता अब्बा जान इतनी मुशक्कत क्यों बर्दाश्त करते हैं? अब्बा कहते बेटा ये आधी रात तो मेरी थी, आधी रात तेरे लिए किया है, आधी रात मेरी थी और आधी रात तेरे लिए किया मैंने। कितनी दुआएं करनी चाहिए हमें कि जब आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जबान से सनद हासिल है कि बाप की दुआ औलाद के लिए रद्द नहीं होती, तो इस सनद को आप क्यों नहीं इस्तेमाल फरमाते, क्यों नहीं करते? क्यों दिल बर्दाश्ता होते हैं थोड़ी थोड़ी बात पर? नाफरमानी भी हो जाती है, दिल भी दुख जाता है औलाद की जानिब से, जल्दबाजी ना करें। इस पर मुझे मौका मिला, मैं अगली निशिस्त में इंशाल्लाह अर्ज करूंगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे नाफरमान थे, उन्होंने कैसे संभाला अपने नाफरमान बेटों को। तो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे नाफरमान थे, याकूब अलैहिस्सलाम के, उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम के 10 बेटों में से एक यूसुफ पैगंबर थे, बाकी सताते रहे। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी, तरबियत नहीं छोड़ी, बिल आखिर जाके उन्होंने तोबा की और उनका खात्मा तोबा पर हुआ, खैर पर हुआ। आज जरा सी बात पर हम क्यों कह देते थे हमने तो आग कर दिया जायदाद से? नहीं, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, तबाह हो जाएगी औलाद आपकी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं देखिए, कहा कि अल्लाह मुझे भी और मेरे बेटे इस्माइल को भी और हमारी नस्ल को अल्लाह तू अपना फर्माबरदार बना, अपना मुतीअ बना, अपना फर्माबरदार बना। पांच दुआएं हो गई। और फिर जहां नाफरमानी की बात आई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्फाज देखिए, गौर कीजिए, फमन तबियानी फइन्नहु मिन्नी। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी औलाद में से जो मेरा फर्माबरदार रहेगा वो तो है ही मेरा, मेरी औलाद में से जो मेरा फर्माबरदार रहेगा वो तो है ही मेरा। वमन आसानी, अल्लाह मेरी औलादों में से जो नाफरमान है, ये तो नहीं कहा कि जो नाफरमान है अल्लाह उसे जहन्नम में डाल दे। वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम, अल्लाह जो मेरी नाफरमानी करे तो तू बख्शने वाला तो है ना, तू मेहरबान तो है, तू गफूर तो है, तू उसको भी बख्श दे, तू उस पर भी मेहरबानी फरमा दे, मेरे नाफरमान पर भी तू मेहरबानी फरमा कर, उसको फरमा बरदार बना दे, तेरे लिए क्या मुश्किल है? दिल पलटना अल्लाह तेरा काम है ना,
एक मेरा फरमा बरदार है, एक नाफरमान है। अल्लाह वो जो नाफरमान है उसका दिल भी तू ही पलट दे। तो बात ये अर्ज कर रहा था कि बाप की दुआ औलाद के लिए रद्द नहीं होती। तो अगर बाप ने अपनी औलाद के लिए बददुआया कलिमात कहे तो भी रद्द नहीं होते। कल जब वो बददुआया कलिमात कबूल हो गए और औलाद की तबाही का फैसला हो गया तो फिर बाप को भी तकलीफ होती, फिर बाप को भी तकलीफ होती है। अब वो दुआएं करता है करता है करता है, अल्लाह इस तकलीफ से मेरे बेटे को निकाल दे निकाल दे, लेकिन वो अपनी बद्दुआ तो लगी हुई है। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं मैंने अर्ज की और पांच दुआएं हो गई। छठी दुआ सुनिए। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन ग़ैरी ज़ी ज़रअइन 'इंदा बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सला। बड़ी प्यारी बात है। अल्लाह मैंने अपने बेटे इस्माइल को और अपनी बीवी हाजर को वादी गैर अजी जरा के जहां पर खेती का कोई सामान नहीं, जहां पर इंसानी आबादी मुमकिन नहीं, आसान नहीं, बहुत मुशक्कत है, इस जगह पर अल्लाह मैंने छुड़ाया छोड़ा, लेकिन तेरे हुक्म की खातिर। पता चला कि अल्लाह के हुक्म की खातिर बीवी बच्चों को कुर्बान करना, उनको पीछे कर देना, अल्लाह का हुक्म मुकदम करना, ये किसका उस्वा हसना है भाई? ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उस्वा हसना। शाम से हुक्म हुआ कि आप चलें और वहां वादी गैर जी जरा जहां बैतुल्लाह की बुनियादें थी वहां छोड़ के आओ। और वहां आकर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ा और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ थे और वो निशानदेही कर रहे थे, जिस जगह पर आकर हजरत जिब्रील ने कहा कि यहाँ छोड़ने का हुक्म है, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चौंक गए कि यहाँ छोड़ने का, रास्ता बहुत दूर से गुजर रहा है, यहाँ पानी का कोई इंतजाम नहीं है, यहाँ कोई आबादी है नहीं है, नहीं अल्लाह का यही हुक्म आया। अच्छा अल्लाह का हुक्म आया जी, अल्लाह के हुक्म पर सब कुछ कुर्बान, सब कुछ कुर्बान। चले इब्राहिम, अब आप उनको छोड़ के यहाँ से वापस जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वापस शाम में ही जाना है। इतना वक्त नहीं दिया अल्लाह पाक ने कि बीवी को कुछ नसीहतें करके जाएं कि मैं जा रहा हूँ, कोई अलविदाई बातें करके जाएं कि मैं जा रहा हूँ, नहीं, जिस कदम से आप यहाँ खड़े हैं सीधे वापस हो जाए। ये इम्तिहान के देखते हैं कि इब्राहिम के दिल में अल्लाह की मोहब्बत है या बीबी की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम तो खलील है, खलील है, अल्लाह के हुक्म के पीछे, अल्लाह के हुक्म की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान दिया कर दिया। ठीक है अल्लाह, तेरा हुक्म है कि नसीहत किए बगैर, अलविदाई कलाम किए बगैर, आखिरी बात किए बगैर मैं रुखसत हो जाऊं, तो अल्लाह हमें इस कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। जा रहे हैं, जा रहे हैं, पीछे से पूछ रही हैं अहलिया हजरत हाजर कहां कहां कहां, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। फिर कहा अल्लाह अमरका बिहाजा, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सर हिलाया कि हाँ अल्लाह ने हुक्म दिया। फिर हजरत हाजर की जबान, कुर्बान जाऊं उनकी प्यारी जबान से ये बात निकली, इलन इदन ला युज़ीउना, फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा, बस जाएं आप। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह पर तवक्कुल है। ये अपने घर वालियों को तवक्कुल सिखाओ, खवातीन को ये भरोसा सिखाओ, शीरखार बच्चा पास है और अल्लाह की ज़ात आली पर तवक्कुल और भरोसा देखिए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उनकी नज़रों से ओझल हो गए तो फिर ये दुआएं की हैं, अल्लाह मैंने इनको यहाँ पर ठहरा दिया, ये तेरा घर बैतुल्लाह उसके पास ठहराया, अभी बैतुल्लाह बना नहीं था। रब्बना लियुकीमुस्सला, अल्लाह शाम से हिजरत करके यहाँ इसलिए मैंने इनको लाया और छोड़ा ताकि ये नमाज कायम करें। जिंदगी का बड़ा मकसद नमाज है, जिंदगी का बड़ा मकसद नमाज है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज औलाद घर में नमाज नहीं पढ़ती, कौन बाप रात को तड़पता है? कौन सा बाप अपनी औलाद से नमाज न पढ़ने पर नाराज होता है? कौन सी माँ है जो औलाद न पढ़ने पर अपनी औलाद से नाराज रहती है? जिसने एक नमाज को जाया कर दिया, एक नमाज को जाया कर दिया, कान्नमा वुतिरा अहलु व मालहु, गोया कि उसका घर बार और माल सारा का सारा तबाह हो गया, जाया हो गया। उसकी कोई जिंदगी है? खड़े होके नहीं पढ़ सकते हो, बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो, लेट के पढ़ लो, लेट के नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ लो, अरे वजू के लिए पानी मुयस्सर नहीं है, तयम्मम कर लो, लेकिन नमाज मत छोड़ो। आज कितना तबका है जो नमाज के तर्क करने को गुनाह नहीं समझता? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है नमाज की खातिर। और अगली दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुनिएगा, ये भी दुआ फरमाई कि अल्लाह इनको मैंने यहाँ छोड़ा है
और वर्जुक अहलहु मिन अस्समरात, ऐ अल्लाह इनके रिज़्क का भी इंतजाम फरमाना। फजअल अफ़ईदतम मिनन्नास, ऐ अल्लाह कुछ लोगों के दिलों की को इनकी तरफ मायल कर देना, लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डालना। वो जो मोहब्बत डालने की बात आई, आज तक बैतुल्लाह की तरफ लोग खचाखच जो जा रहे होते हैं, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा। अब आखिरी दुआ में सुनाता हूं, और वो आखिरी दुआ भी किन अल्फाज से की है, अजीब अंदाज है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक, पहले तो औलाद के मिलने पर शुक्र अदा किया। मुझे बताओ आज कितने बाप इस मजमे में बैठे हुए हैं, औलाद की पैदाइश पर, औलाद का बचपना देखकर, औलाद का लड़कपन देखकर, औलाद की जवानी देखकर, औलाद की खुशी देखकर हाथ उठाए हों, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे बेटे को इस काबिल किया है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या ये शुक्र लाजिम नहीं है? इब्राहिम क्या कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबा ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे हिबा दिया, गिफ्ट दिया, बगैर मेरे इस्तेहकाक के मैं मुस्तहिक न था, बगैर मेरे इस्तेहकाक के जिसने बुढ़ापे की हालत में मुझे इस्माईल जैसा फर्मा बरदार और इसहाक जैसा फर्मा बरदार बेटा दिया। इन रब्बी लसमीउद दुआ, मेरा रब तो दुआओं को सुनने वाला है। यूं रब से मुनाजात करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यूं अपने अल्लाह से मुनाजात करते हैं और हाथ उठाते हैं। अब अगली दुआ सुनिएगा, रब्बी जअलनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती। अल्लाहु अकबर, इतनी खूबसूरत दुआ, इतनी प्यारी दुआ। रब्बी जअलनी मुकीम अस्सला, ऐ अल्लाह मुझे नमाज को कायम करने वाला बना, मुझे नमाज को कायम करने वाला बना। क्या नबी कभी नमाज छोड़ सकता है? मुझे नमाज का पाबंद बना। क्या नबी से नमाज का तर्क करना मुमकिन है? नहीं है। लेकिन ये मुझे और आपको सबक दिया गया, मैंने अर्ज किया था नबियों की जिंदगी में हमारे लिए नमूना है कि जब नबी ये दुआ मांग रहा है तो मुझे और आपको भी मांगनी चाहिए। नबी शिर्क से बचने की दुआ मांग रहा तो पता चला कि शिर्क बड़ा बदतरीन अमल है जो इंसान के आमाल को जया कर देता है। नबी जब नमाज की दुआ मांग रहा तो पता चला नमाज वो अहम फरीजा है, अगर वो जिंदगी से निकल गया तो बाकी ईमान और इस्लाम का एतबार ही नहीं। इसलिए दुआ कर रहे हैं, रब जालनी मुकीम अस्सला, ऐ अल्लाह मुझे नमाज का पाबंद बना, व मिन ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को भी नमाज का पाबंद बना। और फिर रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ऐ अल्लाह मेरी भी मग़फ़िरत फरमा और मेरे माँ बाप की भी मग़फ़िरत फरमा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं, नंबर एक शुरू से शुरू करता हूँ, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को अमन अता फरमा, सुकून अता फरमा। नंबर दो, ऐ अल्लाह मेरी औलाद के माश का इंतजाम फरमा। नंबर तीन, ऐ अल्लाह मेरी औलाद की तालीम और तरबियत का इंतजाम फरमा। नंबर चार, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को मुझे भी और मेरी औलाद को शिर्क से महफूज फरमा, शिर्क से महफूज फरमा। और नंबर पांच, ऐ अल्लाह लोगों के दिलों को मेरी औलाद की तरफ मायल फरमा, यानी लोगों के दिलों में मेरी औलाद की मोहब्बत डाल दे। कितनी खूबसूरत है। नंबर छह, ऐ अल्लाह मेरी औलाद, मुझे और मेरी औलाद को नमाज का पाबंद बना, ऐ अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नमाज का पाबंद बना, ऐ अल्लाह तू तो दुआओं को कबूल करने वाला है। नंबर सात, ऐ अल्लाह मेरी भी और मेरे वालिदैन की भी और तमाम मुसलमानों की बख्शिश और मग़फ़रत फरमा। ये सात खूबसूरत दुआएं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमारे लिए बेहतरीन उस्वा हसना और बेहतरीन नमूना है। इन दुआओं को अपनी औलादों के लिए किया कीजिए, ताकि बहुत बड़ा दखल होगा औलादों को संवारने का, सुधारने का। आपकी दुआओं से बहुत कुछ बन सकेगा, बाप और दादा की दुआ से औलादें और नई नस्लें इंशाल्लाह संवरेंगी। अल्लाह पाक हम सब के लिए अमल करना आसान फरमाए। वा आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।